बर्गर्स, बच्चे और बड़े सबको पसंद आने वाले स्नैक्स। हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं तवा बर्गर, जो बनाने में बहुत इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो चलिए फिर देरी नहीं करते, जल्दी से बना लेते हैं। पहले हम बर्गर की स्टफिंग बना लेते हैं। यहाँ पैन में मैंने घी डाल लिया है। घी की जगह आप बटर भी ले सकते हैं। चुटकी भर हींग डाल देते हैं। छोटा आधा चम्मच के करीब इसमें जीरा डाल रही हूँ मैं। जब हींग और जीरा भून जाए तो इसमें हम चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। फिर डाल देंगे शिमला मिर्च चॉप की हुई और डाल देंगे टमाटर चॉप किए हुए। आप चाहें तो आपकी मनपसंद की कोई भी वेजीज आप ले सकते हैं। इन सबको कर देते हैं मिक्स अच्छी तरह से। अब इसमें 3 बॉइल्ड पोटैटोज मैश करके डाल रही हूँ मैं। अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब हम इसमें डाल लेते हैं नमक मिर्च। बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालने क्योंकि हम सॉस वगैरह भी लगाएंगे। तो इसमें 1 टीस्पून मैं नमक का डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर का डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। 1/4 टीस्पून मैं काली मिर्च पाउडर का डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं लाल मिर्च पाउडर का डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं धनिया पाउडर का डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें चाट मसाला पाउडर का डाल रही हूँ। अब सारे मसाले हम मिक्स कर देते हैं। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब इसको ठंडा होने देते हैं। अब इधर बर्गर की अंदर वाली साइड को तवे पर पहले हम पका लेते हैं थोड़ा सा घी या बटर लगाकर। अब हमारे बर्गर स्टफिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। इसकी दोनों साइड्स पर हम 2 चटनी 2 सॉसेस लगाएंगे। एक तरफ हम ग्रीन चटनी लगाएंगे, एक तरफ हम टोमेटो केचप लगाएंगे। दोनों ही घर की बनी हुई है। आपके पास जो भी चटनी अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं धनिया पुदीने और कच्चे आम की चटनी लगा रही हूँ और दूसरी तरफ मैं टोमेटो केचप लगा रही हूँ। दोनों ही घर की बनी हुई है। तो दोनों तरफ हम ये सॉस लगाकर फिर इसमें स्टफिंग फिल कर देंगे और ये हमारा बर्गर इस तरह से तैयार हो जाएगा। बर्गर बिल्कुल फ्रेश है इसलिए बहुत ही सॉफ्ट है। इसी तरह से सारे बर्गर तैयार करके हम तवे पर सेक लेते हैं जल्दी से। अब तवे पर घी या बटर डालकर हम इसको तैयार कर लेते हैं। बहुत ही यम्मी बर्गर्स बनकर तैयार हुए हैं। देखिए कितने अच्छे बने हैं। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। टेस्ट आपका और आइडिया मेरा। बने रहिए फिर टेस्टी ट्विस्ट में मेरे साथ इसी तरह से। धन्यवाद।